हेलो गाइस, बिबिंदास चंद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का मुख्य समाचार यह है कि आज दिन भर हम लोग रूम में ही रह गए। रूम में रह गए मैंने सोते सोते हम रह गए, एकदम सोया सोया दिन भर सोया सोया, कुछ ना खाया ना पिया, कुछ आज दिन भर सिर्फ सोया है। अभी उठ के गए थे बाजार, बाजार जाके आया, बाजार से मीट लेके आया। आज तो बनाएगा और यहाँ पे सुमित अभी बनाएगा चाय, समोसा लेके आया है। चाय समोसा भी पहले खा लेगा क्योंकि दिन से कुछ नहीं खाया, भूख लग रहा है। सोने के चक्कर में साला सब भूल गया, खाना पीना सब भूल जाता है। तो ये रहा हम लोग का एवरीडे दो पैकेट, 10 रुपये वाला ही लाता है। इधर समोसा भी है। इतना बस था कि हम लोग का था प्लान जाने का, कहाँ जाने का प्लान था रे, यूथ फेस्टिवल। तो यूथ फेस्टिवल नहीं गया तो सोते सोते मैंने दिन पार कर दिया आज का। तो यूथ फेस्टिवल जाना हुआ कैंसिल और हम लोग का क्या बोलते हैं सोया सोने का कार्यक्रम बढ़ते गए, मैंने सोते एकदम मस्त ले सोया है। तो यहाँ पे सुमित चाय का सामग्री तैयार कर रहे हैं। क्या है, अदरक और क्या है, और सामग्री क्या है, सब सामग्री जल्दी करो इकट्ठा, सारे सामग्री को किया जाए इकट्ठा और बनाओ चाय एकदम कड़क। जैसे कल तेरा बीमार ठीक किया था हम चाय बना के, मेरा चाय आधा तो मेरा चाय से ठीक हुआ है, दवाई तो दवाई ही था। कैसे आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि कल तो सुमित बीमार था, तो बीमार था तो इसको दिन भर सोया रहा। तो इसको शाम को हम चाय बना के पिलाए, चाय मेरा हाथ का चाय पीते इसका सारा बीमार ठीक हो गया। झूठ बोल रहे हैं क्या, झूठ बोल रहा है, आधा बीमार तो ठीक हो गया था और आधा दवाई खा के ठीक हो गया, भिक्स मटन खा के ठीक हो गया। ओहो, भिक्स मटन से इसका वो बीमार ठीक हो जाता है। वाह वाह, देखिए नया मेडिसिन निकला है। अगर आप बीमार हो, आपका शरीर आपका आपका माथा दर्द कर रहा है, आपका शरीर दर्द कर रहा है और आपका क्या क्या इधर उधर प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करिए आप भिक्स वाला जो मटन होता है चॉकलेट वो खाइए, ठीक हो जाएगा। सुमित के अनुसार यही है कि भिक्स चॉकलेट से उसका सारा बीमार। आज हम बता दे रहे हैं, आज तो गोलमरीच कम रखियो, समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रही हो। आज तो गोलमरीच कम रखियो ना, तो चाय फिर उस दिन जैसे खारा हो तो अच्छा ना हो भाइयो, समझ जाइयो। यहाँ पे हम लोग का चाय बन चुका है, सुमित स्वीक स्वीक चाय पी रहा है। आज भी झाल बना दिया नहीं है घर में गोलमरीच से। ये रहा हम लोग का समोसा, समोसा इतना आजकल इतना छोटा हो गया, 10 रुपये लेते इतना छोटा समोसा का, महंगाई बढ़ गया, 2 रुपये लेते साला इतना छोटा समोसा, 5 रुपये में खाता था हम इतना छोटा समोसा, बहुत ही दुख है। कोई बात नहीं, दुख सह लेंगे, दुख सहने का आदत है। हेलो गाइस, तो आज हम क्या बना रहे पता है आपको, ये देखिए बच्चा का प्रैक्टिकल, एक साइड में बहन है उसका प्रैक्टिकल बना रहे, जिंदगी में अपना लिए तो कभी नहीं बनाया था और आज बना रहे, देखते हैं कैसा बनता है। ये क्या फ्लावर पॉट बनाएगा अभी, वो क्या होता है ना पानी पीने वाला कप है, जो क्या कप है इसको, कागज़ वाला कप नया आया है ना अभी, पहले तो प्लास्टिक वाला था, अभी तो ये आया है, तो उसमें अभी बनाएगा अभी मस्त है, इसे रस्सी से ये सूता क्या क्या का सूता है पता नहीं इसे, और इसको काट दिया ऐसे करके, अभी इसको हम बनाते हैं। और उधर फोन बज रहा है उसका, उसका नारिकल रस्सी बोलते हैं, नारिकल रस्सी से, सॉरी गाइस आप लोग समझ जाए, हम बना के फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे लगभग देखिए आधा बन चुका है, थोड़ा फिनिशिंग देना है बस यहाँ पे, लगभग तैयार, सुंदर लग रहा है देखने में। वाह, हम भी ये सब बना सकते हैं, विश्वास ही नहीं था, अरे हम भी कुछ कुछ कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट कर दिया, फाइनली कुछ बनाया, कुछ तो हुनर है हमें आज पता चला हमको, इतना सुंदर लग रहा है देखिए आप लोग, अच्छे से एकदम अच्छा से देखिए, सुंदर ही लग रहा है। फ्लावर थोड़ा पुरना था ना बोल के, नहीं तो फ्लावर नया होने से ना और मस्त लगता है, एकदम मजा, एकदम मस्त, क्या बोले, शब्द कम पड़ रहे। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा बना है, हम सुनना चाहेंगे आप लोग का, कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा बना है नहीं बना है। तो गाइस, आंटी का बेटी का हमने बनाया प्रोजेक्ट, तो आंटी हम लोगों को क्या दिया पता है, खिचड़ी दिया, खिचड़ी, ये देखिए इतना सारा खिचड़ी है, तो खिचड़ी अब तो हम लोगों को खिचड़ी ही खाना पड़ेगा। और जो हम लोग का मीट था वो मीट रह जाएगा, अब कल बनाएगा, कल सुबह बनाएगा शायद मीट, और सुबह नहीं तो अगर रात में भूख लगा तो रात में उठ के बना के खाएगा, बोल खाएगा जरूर, टेंशन छोड़ेगा तो नहीं मीट को, अगर रात में बनाया तो आप लोगों को 5 मिनट या 2 मिनट का एक और ब्लॉग मिलेगा, क्या बोलता है सुमित? हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। तो हम लोग अभी चले खिचड़ी खाए, चलता है खिचड़ी खाने, गरम गरम है भाई, गरम गरम खिचड़ी का खाने का स्वाद ना गरम गरम में ही है, खिचड़ी अगर ठंडा हो जाएगा ना खा के मज़ा नहीं आता है, जब गरम गरम रहने से
स्वाद ही अलग आता है। तो अचार भी है, हम लोग के पास अचार भी है, मजा आएगा खा के। सुमित एक बार दिखा दो तो कैसा लगेगा खा के। ठीक है हम लोग चलते हैं खाने। तो यहाँ पे हम लोग का खिचड़ी खा के हो चुका है ख़त्म। अभी लग रहा है नींद, अभी सोएंगे। लग रहा है रात को भूख तो लगेगा, जैसा फील आ रहा है तो लगेगा। उस समय उठेगा 2 बजे 3 बजे या 12 बजे, जितना बजे भूख लगेगा उतना बजे उठ के बनाएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और हमें आगे देखते रहे। बाय बाय।